1982 में फिल्म आई थी नदिया के पार ये फिल्म काफी अच्छी लोगों ने पसंद की थी और लोगों की पसंद के कारण ही इस फिल्म को एक बार फिर से बनाया गया था हम आपके हैं कौन के रूप में और हम आपके हैं कौन और भी बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म साबित हुई बात करें अगर नदिया के पार फिल्म की तो सचिन पिलगांवकर का एक अच्छा रोल था इस फिल्म में सविता बजाज ने भी काम किया था जो आज आर्थिक तंगी से जूझ रही है आज जिस शख्स की मैं बात करूंगी वो भी इस फिल्म का ही हिस्सा थे लेकिन इस फिल्म से स्टार बनने के चंद सालों बाद ही एक हादसे में उनकी मौत हो गई मैं यहां बात कर रही हूं इस फिल्म में ओमकार का किरदार निभाने वाले एक्टर इंदर ठाकुर की इंदर ठाकुर ने इंडस्ट्री में सिर्फ दो फिल्मों में काम किया नदिया के पार और उसके बाद एक तुलसी नाम की फिल्म में वो नज़र आए थे और कोइंसिडेंट की ही बात है कि दोनों ही फिल्मों में सचिन पिलगांवकर ने उनके छोटे भाई का किरदार निभाया था कम ही लोगों को पता होगा कि इंदर ठाकुर एक एक्टर के साथ साथ एक बेहतरीन फैशन डिजाइनर भी थे और कई सारी कंट्रीज़ में उनके फैशन शोज हो चुके थे और वो फैशन अवार्ड्स भी जीत चुके थे इसके अलावा वो एयर इंडिया के साथ भी काम करते थे इंदर की लाइफ बिल्कुल परफेक्ट थी लेकिन तब एक ऐसा हादसा हुआ जिस हादसे को आज तक सबसे बड़ा मिड एयर टेरर अटैक कहा जाता है। 329 लोगों की जान गई थी इनफैक्ट इन सभी लोगों में से कई ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडीज तक हाथ नहीं लगी एक एयर हादसा हुआ था जिसके अंदर एक्टर इंदर ठाकुर की डेथ हो गई थी यह हादसा हुआ था तेबीस जून 1985 को कनिष्क नाम की एयर इंडिया की फ्लाइट ने कनाडा के से ऑफ किया था लंदन होकर ये फ्लाइट दिल्ली और फिर बॉम्बे पहुंचने वाली थी इसी फ्लाइट में इंदर ठाकुर अपनी फैमिली के साथ सवार थे वो कनाडा गए थे एक फैशन कंपटीशन के लिए और वहां से वापस लौट रहे थे लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये फ्लाइट उनके और उनके परिवार की आखिरी फ्लाइट होगी इस फ्लाइट ने मॉन्ट्रियल से टेक ऑफ तो किया लेकिन ये फ्लाइट लंदन के हीथ्रू एयरपोर्ट पहुंच ही पहुंची नहीं पाई हीथ्रू एयरपोर्ट से जब यह फ्लाइट 45 मिनट की दूरी पर थी 31,000 फीट की ऊंचाई पर थी तभी इस फ्लाइट में एक धमाका होता है और प्लेन क्रैश होकर अटलांटिक सागर में जा गिरता है इस फ्लाइट में तीन लोग थे जिसमें से बाईस क्रू मेम्बर्स थे कहा जाता है कि इक्यासी तो बच्चे ही थे इन सभी मेंबर्स की डेथ हो गई तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया लोगों को बचाने की कोशिश में जल्दी से जल्दी इंतजाम किए गए लेकिन अफसोस किसी एक को भी नहीं बचाया जा सका और सबसे बड़ी बात कि सारी जो बॉडीज़ हैं वो ओशियन में गिरी थी यही कारण है कि कुछ बॉडीज़ तो रिकवर भी नहीं हुई सिर्फ 131 लोगों की ही बॉडीज़ मिल पाई अब तक का ये सबसे बड़ा टेरर अटैक कहा जाता है मिड एयर टेरर अटैक सबसे बड़ी बात ये जो टेरर अटैक है ये सिक्स टेररिस्ट ग्रुप ने प्लान किया था इंडिया में एक ऑपरेशन किया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार जिसके तहत गोल्डन टेंपल से बिंद्रे वाला जो टेररिस्ट गैंग था और उनका जो गुरु था उसको हटाने के लिए ये ऑपरेशन किया गया था और इस ऑपरेशन में कई लोगों की जान भी गई थी और इस ऑपरेशन के जवाब में ही ये हमला किया गया जिसमें तीन लोगों ने अपनी ज़िंदगी गवाई इसमें से ज़्यादातर लोग इंडिया के ही थे जो ब्रिटिश सिटीजन्स थे इसके अलावा 25 इंडियंस थे और 22 क्रू मेंबर्स थे इनमें से कोई भी नहीं बचा और इसी हादसे में इंदर कुमार और उनके पूरे परिवार की जान चली गई उनकी बॉडीज तक नहीं मिल पाई यह कहानी बॉलीवुड के उस एक्टर की जिसे हम नदिया के पार फिल्म में चंदन के बड़े भाई ओमकार के रूप में देख चुके हैं कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और कहानी के साथ लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना